हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आपको पता है कि जैसे जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे की जो सेल है नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो फ्लिपकार्ट है कुछ ना कुछ नया अपडेट फ्लिपकार्ट वेबसाइट के ऊपर डालता रहता है, चाहे वो फोन से रिलेटेड हो या फिर किसी लैपटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो है बिग बिलियन डे का जो वेट कर रहे हैं वो सिर्फ स्मार्टफोन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन हो या फिर आईफोन हो। दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे जो है एक चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, तो फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो जैसे ही आप क्रेजी गुड डिस्काउंट वाले सेक्शन में चले जाते हो, जहाँ पे आपका लोएस्ट फोन प्राइस वाला ऑप्शन आपको मिलता है, वहां पे आप टैप करते हो तो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, जहाँ पे दोस्तों तो जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो दोस्तों, सेव द डेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं September 27 जो है यहाँ पे ओप्पो जो है रिवील हो चुका है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये रिवील हो चुका है दोस्तों, बट यहाँ पे पहले 27 और दोस्तों यहाँ पे जो 27 को था वो था मोटरोला का सेट, यानी कि मोटरोला को पहले जो यहाँ पे रिवील होना था। बट दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कुछ जो डेट है वो प्री ओपन करी है। यहाँ पे जो ओप्पो था वो सबसे लास्ट में था 8 अक्टूबर को। अगर आप पुराना कैलेंडर देखते हो दोस्तों तो ओप्पो बिल्कुल लास्ट में था 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये जो डेट थी 27 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलने वाली थी, बट दोस्तों अब हाल ही में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा प्रीपोन हो चुका है एंड जो 8 अक्टूबर को जो सेल लगनी थी ओप्पो की वो आ चुकी है 27 को। एंड दोस्तों ये जो डेट है ये लाइव भी हो चुकी है। जैसे ही आप ओप्पो वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे जहां पे लिखा हुआ है ओप्पो एंड यहां पे लिखा हुआ है लोएस्ट एवर प्राइस ऑफ ओप्पो 1 ईयर, एंड दोस्तों यहां पे आप देख पाएंगे बिग बैंग रिवील ऑफ द डे, जो ओप्पो का मोबाइल है उसका जो प्राइस है वो रिवील हो चुका है। ये आप यहां पे देख ही सकते हैं, यहां पे पटाखे बज रहे हैं भाई, ठीक है। जो ओप्पो रेनो 10 है 5G फोन है एंड इसको 38,999 रुपीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस इस टाइम रिवील हो रहा है फ्रेंड्स वो हो रहा है 29,999 एंड या फिर आप इसको जो है 5,000 पर मंथ ईएमआई सिस्टम भी है एंड यहाँ पे जो है एक्चुअल अमाउंट भी इन्होंने रिवील कर दिया है दोस्तों। एंड यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों रेनो वाले पे, बट अब अगर एक्चुअल प्राइस आप चेक करोगे, पहले जो प्राइस था वो था एमआरपी आई रही है 38,999 दोस्तों, बट अभी जो प्राइस है फिलहाल ये है 32,999, यानी कि जो प्राइस वहां पे दिखा रहा है दोस्तों आपको ये वाला प्राइस 29,999। तो दोस्तों ये जो प्राइस है ये उस टाइम का है जैसे ही ये फोन रिवील हुआ, यानी कि जो ऑफर है वो रिवील हुआ। वही बात कि जब जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट रिवील होता दोस्तों वो हार्डली 15 मिनट या फिर 20 मिनट के लिए दिखता है एंड उसके बाद जो प्राइस है धीरे धीरे अपडेट हो जाता है, धीरे धीरे जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है, प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है 29,999 बट अभी एक्चुअल प्राइस हो चुका है 32,999 दोस्तों, यानी कि 33,000 पे यहाँ पे इस सेट का जो प्राइस है वो हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप जो है दोबारा से कैलेंडर पे जाते हो तो दोस्तों यहाँ पे 28 सितंबर को जो है मोटोरोला रिवील होगा एंड उसके बाद 29 को वीवो रिवील हो जाएगा, 30 को जो है यहाँ पे इनफिक्स रिवील होगा, 1 अक्टूबर को हमारा आईफोन जो है यहाँ पे रिवील हो जाएगा। तो यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग जो है ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, बट यहाँ पे सिर्फ ओप्पो के फोन को सबसे स्टार्टिंग में ले आए थे, ये ओप्पो का बिल्कुल लास्ट में था 8 अक्टूबर को यहाँ पे रिवील होना था ऑफर, बट दोस्तों ओप्पो सबसे पहले जो है रिवील हो चुका है। तो फ्लिपकार्ट कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, तो इसलिए चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि जो भी अपडेट्स होगा फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के ऊपर दोस्तों वो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों काफी लोग जो 08 को लेकर भी काफी कंफ्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मैंने वैसे लास्ट वीडियो में भी काफी कवर किया था, बट दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको जो है मोटा मोटा बताने की कोशिश करता हूँ। जो 08 है दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं 08 जैसे ही आप ओपन कर दो तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो है डेट फाइन करी हुई है। तो दोस्तों जो कैलेंडर मैंने आप लोगों से शेयर किया था 27 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक का, तो यहाँ पे 28 अक्टूबर से लेके यानी कि मोटरोला का सेट सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है रिवील होगा। तो कल दोस्तों 28 तारीख है, तो 28 तारीख को जो है रिवील हो जाएगा एंड 8 अक्टूबर को यहाँ पे ओप्पो के ऊपर जो है रिवील होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे बेसिकली होता क्या, जो फोटोज आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये कुछ यहाँ पे सेलिब्रिटीज आप इनको बोल सकते हो, ठीक है, अच्छे कंटेस्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, वन बाय वन जो है डेट के हिसाब से जो है यहाँ पे उस स्पेसिफिक मॉडल को उठाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखते हो मोटरोला का सबसे पहले यहाँ पे इवेंट होना है दोस्तों 28 सितंबर को, तो जैसे ही 28 सितंबर तो कल की डेट में आपको 7 बजे जो है एग्जैक्ट यहाँ पे जो है मोटरोला का आपको जो है ऑफर रिवील होता हुआ दिख जाएगा एंड इनमें से एक सेलिब्रिटी आपको वहां पे दिखाई देगा एंड बताएगा उस स्पेसिफिक फोन के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके फीचर्स वगैरह क्या है। एंड उस टाइम पे आपको जो है उस ऑफर को ग्रैब करना है, उस टाइम पे जो प्राइस है थोड़ा सा डाउन जरूर मिलेगा आप लोगों को। बट दोस्तों एज सच बात करें बिग बिलियन डे वाले डेट की या फिर उस टाइम की, तो वो वाला प्राइस तो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो प्राइस जस्ट आपको जस्ट 15 मिनट के लिए ही देखने को मिलेगा, वो भी आपको सेम बिग बिलियन डे की जो सेल स्टार्ट होगी उस दिन को, इसके अलावा आपको ना ही आगे वो प्राइस देखने को मिलेगा ना ही उससे पहले आपको प्राइस देखने को मिलेगा। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि अगर आप जो है किसी भी स्मार्टफोन को जो है एक अच्छे डिस्काउंट पे ग्रैब करना चाहते हो तो
तो आप इस 0 आर सेल में या फिर बिग सेविंग सेल में या फिर इसके अलावा जो भी सेल्स आएंगी यहाँ पे लाइव होंगी उस सेल्स में आप जो है उस स्मार्टफोन को जो है अच्छे प्राइस में ग्रैब कर सको। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बिग बिलियन डे या फिर अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की जो सेल है एक्चुअल जो सेल है रिवील होगी वहां पे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। काफी लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा गाइड किया जाए इनको। अगर फिर भी आप लोगों के मन के अंदर कुछ भी डाउट है कुछ भी क्लैरिटी आप चाहते हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो तो कुछ ही टाइम बाद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।